चैप्टर लाइफ लाइफ प्रोसेस प्रोसेस क्या होता है द प्रोसेस दैट आर नेसेसरी फॉर एन ऑर्गेनिज्म टू स्टे सच ए न्यूट्रिशन रेस्पिरेशन ब्रीथिंग डाइजेशन इटी सी अब क्राइटेरिया ऑफ लाइफ लाइफ में क्या क्राइटेरिया है ग्रोथ एंड मूवमेंट एंड सेकेंड वन न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन क्या है द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिंग टेक्स इन फूड यूटिलाइज इट टू गेट द एनर्जी फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एंड एक्सक्रीट द बेस्ट मेटेरियल फ्रॉम द बॉडी इन अदर अदरबर्थ टू मेंटेन बेरियस लाइफ प्रोसेस एंड टू प्रिवेंट देयर डैमेज एंड ब्रेकडाउन

फूड मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में किस किस रोमेटर की आवश्यकता होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर जैसे कि हम इसे शो कर सकते हैं इक्वेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एस टू ओ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल टू मेक कार्बोहाइड्रेट एंड रिलीज ऑक्सीजन अब एनर्जी कन्वर्जन उसमें एनर्जी का कन्वर्ट कैसे होता है सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी रोल क्लोरोफिल भाई सूर्य की किरणों का क्या यूज होता है अब क्लोरोफिल का क्या यूज है टू ट्रैप द सन एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस अब क्या होता है कि खाना जो ऑर्गेनिन खाना स्वयं बना लेते हैं वो क्या कहलाते हैं ऑटोटोप ऑटोट्रोप्स कैन मेक द फूड इट्सल सच एज प्लांट तो उनके फैक्टर क्या है फैक्टर फॉर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लाइट एंड टेम्परेचर अब चलती है बात स्टेप्स फॉर फोटोसिंथेसिस एबजोर्सन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मोलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट कि मतलब ये प्रोसेस है एंड गैसेस एक्सचेंज क्योंकि कार्बन जो ऑटोट्रोप्स होते हैं ऑटोट्रोप्स यूज द कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन अब सोर्स ऑफ रोमिटर कार्बन डाइऑक्साइड के क्या सोर्सेज हैं लैंड प्लांट्स एयर एक्वेटिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड। जनरली बी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन बाय वर्सा मेक द फूड बाय फोटोसिंथेसिस अब आता है वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल्स बात चलती है अब हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हेट्रो दर्स ट्रोप्स और इसमेंट हेट्रोट्रोप्स है ऑर्गेनिज कैन नॉट मेक देअर फूड देर डिपेंड ऑन अदर्स सच एज प्लांट मतलब कि प्लांट पर डिपेंड होते हैं एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं अब हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन के फर्दर टाइप्स हैं सेप्रोफाइटिक न्यूट्रीशन सेप्रोफाइट टेक द फूड फ्रोम डेट एंड डिकेइंग मेटीरियल सचैज फंजाई ये क्या आपने सड़े गले ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मेटीरियल से अपना खाना लेते हैं या सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं सेकेंड पैरासाइटिक न्यूट्रीशन साइप्रोफाइट को हम कह सकते हैं मृतो जीवी जो सड़े गले पदार्थों से अपना खाना लेते हैं पैरासाइट न्यूट्रीशन पर दे डिपेंड्स ऑन अदर्स मतलब की पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरों पर डिपेंड होते हैं जिनसे अपना वे खाना लेते हैं जैसे कि इसमें भी दो टाइप्स है आगे एंडोपैरासाइट एंड एक्जोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट लिव इन बॉडी जैसे कि टैप बोम राउंड बोम लिव आउट ऑफ द बॉडी जैसे लाइस जिसे हम जू भी बोल लेते हैं इसके बाद आता है होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक टेक इन होल फूड एंड देस्ट इन टू स्मॉल पार्टिकल्स विद एंजाइम सच एज अमीबा एंड पैरामिशियम न्यूट्रीशन इन ह्यूमन विंग्स अब आता है न्यूट्रीशन इन हुमेन विंग्स जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्ट जिसमें हुमे में क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक प्रॉपर प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम खाने से हमें एनर्जी मिलती है उसमें क्या उसमें क्या होता है एलिमेंट्री कैनाल जिसमें कौन कौन से पार्ट्स या हमारे ऑर्गन यूज होते हैं माउथ इसोफेगस स्टोमक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एंड एन एनस एनस यूज फॉर द एलिमिनेशन ऑफ बेस्ट मटेरियल। मतलब कि बॉडी से जो बेस्ट मेटीरियल रिलीज करने के लिए एनस का यूज होता है अब इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स एंड जूसेस अब क्या होता है इंपॉर्टेंट ग्लैंड एंड जूसेस माउथ में क्या रहती है सेलेबरी ग्लैंड क्या होते हैं सेलेवरी एम कन्वर्ट स्टार्च इंटू सुगर स्टोवक्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं जो गैस्ट्रिक जूस रहते हैं वो भी हमारा फर्दर क्या करते हैं आगे खाने को स्मॉल पार्टिकल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं